अच्छी किनारे हो जाओ बेटा, किनारे हो जाओ। थोड़ा किनारे हट जाना बेटा, जल्दी करिए। सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव आज दूसरा दिन, और इस क्रम में आज उद्यमिता प्रदर्शनी का और पुस्तक प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, उन्होंने पुलिस की तैयारी की है। सर, ये ललित कला महोत्सव के तत्वाधार में विभिन्न प्रकार के स्टॉल आपने देखा, तो कैसा लगा सर, स्टॉल के बारे में चंद सब? बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर जनपद में इस तरह के स्टॉल जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो लगाए हैं। अभी उनके पास चांस है, विभाग जिस विभाग को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिला उद्योग केंद्र, उनके पास तमाम सी योजनाएं हैं जिससे हम इनको और आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। सर, जो स्टॉल पे सामान लगे हैं, अगर बच्चे इसको एज ए स्टार्टअप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो विभाग से क्या हेल्प हो सकती है? देखिए, स्टार्टअप स्कीम अलग है, स्कीम स्टार्टअप जो है वो तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन जाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें की चाहिए, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इंक्यूबेशन की रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली चीज़ अलग है। लेकिन अगर किसी के पास कोई कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को जो हम लोग इंक्यूबेशन में कहते हैं कि साहब इनोवेशन कब इन्वेंशन में कन्वर्ट होगा, उसके लिए विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें लाभान्वित हो सकते हैं। ये हैंकी है और एप्रेन है, हैंड वर्क है सारा। इसमें एप्रेन है जिसमें हाथों से मतलब सेलिंग करने के लिए कैसे रोजगार बढ़ाना है, इसकी वजह से ये चीजें बनाई गई है हम लोग के द्वारा, कि कॉलेज के
एक हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है, माइनर में सब्जेक्ट है, हमें बताया जा रहा है कि कैसे डेवलपमेंट और रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं। अप्रैल में हुआ है, बट हम लोगों का हैंकिस में सब हाथ से वर्क किया गया है। हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि कैसे बेरोजगार आगे बढ़ाना है। आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे घर में बच्चे बैठ के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगार को ये चीजें करवाई जा रही है। हाँ, ये सब क्या चीज़ बताइए? पीओपी से बना हुआ आइटम है और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट ये आर्टिफिशियल के कपड़े से बना है, ये सारा ये सब ये फॉर्म से बना हुआ है। ये बॉटल है, कांच की बॉटल, उसको हम लोगों ने अलग अलग कलर से पेंट किया है, फिर फूल से भी कवर करके डिजाइन किया है। इसमें सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम लोग के एक ही लोग का ये काम नहीं है, मतलब जितने भी मेंबर्स ने सब मिल के बनाया है, अलग अलग सबका। हाँ, ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, ये अपना समझ कर रहा है। डोरमेट है ये, जूट से बनाए हैं, हाथों की कला है, हाथों की कला है। आइडियाज अपनी मम्मी लोगों से। तो आगे इसको बढ़ाना है, बिजनेस करना है कि ऐसे अभी तो हॉबीज है, ऐसा बिजनेस चालू हो सकता है, अच्छी चीजें हैं। सर, इस स्टॉल के बारे में मतलब हम लोगों को इसलिए बनाने को मिला है ताकि हम अपने घर में लगा के इसमें एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं। मोटिवेशन वाले की इसलिए कि अभी जब भी अपने रूम में सुबह उठे थे, अगर थॉट भी पढ़ के रहे तो हमें थोड़ा मोटिवेट भी हो सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, ऐसे घर भी डेकोरेट किया जाएगा। खुद के घर पे ही हम लोग मैम से भी, मैम हम लोगों को हर एक टॉपिक दी है और इस टॉपिक में हम लोगों को बनाना था और इसमें मैम का ज्यादा था। खरीद लो, यहाँ पे सारे लाइट से डेकोरेटेड आइटम दिख रहे हैं। हाँ सर, लाइट से डेकोरेटेड आइटम है और यहाँ मतलब स्टडी लैंप बनाया गया है बच्चों के लिए, मतलब ये नॉर्मल चीजों को घर पे यूज होने चीजों को यूज करके बनाया गया है, और फिर ये मतलब डेकोरेटेड चीज भी है जो लाइट से डेकोरेट के लिए, जैसे ये सब है घर में बालकनी में रखने के लिए, और ये पीवीसी पाइप मतलब बच्चे खुद यूज करके अपने घर पे बना के इसका फिर मतलब यूज भी कर सकते हैं, उसी का यूज करके हम लोगों ने बनाया है। इतने सारे आइडिया फ्रेंड सर्किल सर, मतलब बच्चे बहुत रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं तो अपना इन्वेंटिव माइंड जो भी होता है बच्चों का, सब जब एक साथ बैठते हैं तो मिलता रहता है आइडियाज, और फिर टीचर ने भी बहुत हेल्प की थी, मैम शक्ति मैम जो इसकी मतलब वो मेन है यहाँ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा आइडियाज दिया था कि ये करना है तो वहाँ किए गए सर, और बाकी फ्रेंड्स जो है क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है, तो मार्केट में अगर ये कोई लेना चाहे कैसे हुआ? और सर वही सीख रहे हैं हम लोग मतलब लर्निंग पीरियड में, अब कैसे बताएं मतलब अब क्वालिटी जो हम लोग से जो हो सका आइडिया जो आए अपने वो लगाए हैं, फिर देखेंगे, अब यही ना प्रैक्टिस लर्निंग पीरियड है, फिर सर धीरे धीरे आगे हम लोग का बनता रहेगा। मिरर आर्ट है, मिरर से पेंट से हम लोगों ने डेकोरेशन किया है, गिफ्ट आइटम्स बनाए हैं, वो है टी पोस्टर, क्या क्या है बताइए यहाँ पे।
सर ये पेपर वेट है, चाबी कप रख सकते हैं, ऊपर चाबी आराम से गिरेगा, चाबी गिरेगा इसको वाटर प्रूफ भी है, धुल भी सकते हैं आराम से कंफर्टेबली। और ये पेपर वेट है, पेज उड़ता है इस पर आराम से रख सकते हैं, पेज नहीं उड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे मिक्स अचार और तरह तरह के अचार, तो कैसे बनाया आप लोगों का? मैंने आंटी ने बनाया, होममेड है, आंटी का होममेड है, अपनी आंटी की शॉप है। हाँ जी, घर पर ये बना के होम डिलीवरी भी अवेलेबल करवाती है। है जी ये बगहा बाबा। हाँ जी सर, अभी घर से ही कर रहे हैं, घर से ही अपना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रुस्तमपुर जी। ये सारे जो घर में सजाने के आइटम है इसको क्या बोलते हैं जो लगा? अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। फेस्टिवल में हाथ से बनाया? नहीं नहीं नहीं, सब हाथ से ही बनाया। मम्मी ने सिखाया है, यूट्यूब था। सब बच्चों का मेहनत है। अगर ये रेडीमेड रहता तो रिजेक्ट हो जाता। और इसके जो सामान वगैरह है वो कहाँ से मिला है? ये सारे सामान मार्केट से खरीदा है, गोरखपुर मिल गया। गोरखपुर हाँ, ये सारे आपके पावदान हैं? हाँ सर। आप लोगों ने बनाया है इसको? हाँ ये हम लोग ने और हम लोग के ग्रुप के मेंबर्स ने बनाया है। इसका आइडिया मतलब हम लोग देखते थे जूट वगैरह का प्रोडक्ट डिजाइन, फिर मैम भी वर्कशॉप में मतलब हेल्प वगैरह करती थी कि कैसे मतलब बन सकता है और कैसे कैसे मतलब हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। तो सीखने में कितना समय लगा इसको? मतलब हम लोग को पहले क्रिएट करने में मतलब उसको सामान ले आने में, फिर उसको अरेंज करने में, फिर वो आइडिया मतलब कि लेने में कि कैसे बन सकता है, उसके बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा। यहाँ पे बहुत सारे वॉल हैंगिंग है? हाँ यस सर, यहाँ पे बहुत सारे वॉल हैंगिंग है और जितनी भी वॉल हैंगिंग हमने अपने अपने हाथ से बनाई, हैंडमेड सब वॉल है। पीओपी का आइटम भी बना हुआ है यहाँ पे, आइटम और क्लॉथ का बना हुआ है, पीओपी का बना हुआ है, सब हैंडमेड। हाँ यस, ये पूरे तीन ग्रुप है इसमें और सारे मेंबर्स मिलके बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग वेडिंग और बीपी चेक कर रही हैं? यस जी। तो ये कहाँ का स्टॉल है? जी एमजीपी स्टॉल। महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से पुनः गुजारिश करती हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग और बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं, क्या सभी क्या पूछे हैं? क्या सर इस सब से हम लोग कले से बनाए सर, और ये सब ये भी सब सीमेंट और पुट्टी का है सर, मतलब ये भी कले का है। Thank you.
वॉल हैंगिंग बनाया है बहुत अच्छा अच्छा कहाँ सीखा है? स्कूल से हम लोग की ड्राइंग टीचर। कितना टाइम लगा है सब बनाने? एक घंटा। और ये डिजाइन जो बनाई है इतने डिफरेंट डिफरेंट, इसकी आइडियाज कहाँ से मिला है? सर फोन से।